तो वहीं अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर के गृह मंत्री ने एएनआई को दिए इंटरव्यू में कहा है कि उनका मानना है कि ये कोई नियमित निर्णय नहीं है, देश में बहुत लोग मानते हैं कि स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है न्याय की व्याख्या करने का, पर पहली बार हो रहा है कि मगर मैं मानता हूं ये रूटीन और नॉर्मल प्रकार का जुडिशियल जजमेंट नहीं है। काफी लोग देश में मानते हैं कि स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है। एक के लागू होने के बाद पहली बार 14 लोगों को देश की नागरिकता मिली है। केंद्रीय गृह मंत्री गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने 14 लोगों को नागरिकता पत्र सौंपे हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने सीएए को लेकर विपक्षी नेताओं के बयानों पर पलटवार किया, कहा कि सीएए देश का कानून है, इसे झुठलाया नहीं जा सकता। 2014 से पहले जो शरणार्थी बनकर आए हैं उनके पास डॉक्यूमेंट हो या ना हो उन्हें नागरिकता मिलेगी। ये देश का कानून है स्मिता जी, और इसको इस तरह से झुठलाया नहीं जा सकता। जो हिंदू सिख बौद्ध जैन क्रिश्चियन भारत पाकिस्तान अरे पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए, वो सारे लोग 2014 के पहले जो शरणार्थी बनकर आए उनका अधिकार है, डॉक्यूमेंट हो न हो उनको नागरिकता मिलेगी। तो वहीं कैश कांड में झारखंड के कांग्रेस कोटे के मंत्री आलमगीर आलम 7 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आलमगीर आलम के पीएस के सहयोगी के घर से नोट का पहाड़ मिला था। मंत्री आलमगीर आलम को जांच में सहयोग नहीं करने के साथ ही संजीव लाल और जहांगीर आलम से हुई पूछताछ और उनके पास से मिले दस्तावेजों के आधार पर ईडी ने यह कार्रवाई की और गिरफ्तार किया। पांच पांच सौ के नोट, नोटों की गड्डियां और नोटों के बंडल से भरे कमरे की ये तस्वीर तो आपको याद ही होगी। नोटों के इस पहाड़ को गिनने में ना जाने कितनी ही मशीनें खराब हो गई। अब नोटों के इस ढेर ने मंत्री आलमगीर आलम को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। कैश कांड में झारखंड में कांग्रेस कोटे से मंत्री आलमगीर आलम गिरफ्तार कर लिए गए। ईडी ने करीब 7 घंटे की पूछताछ के बाद आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस नेता और झारखंड सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले आलमगीर आलम की गिरफ्तारी झारखंड सरकार के लिए बड़ा झटका है। गिरफ्तारी से पहले ईडी ने मंत्री से पूछा कि ग्रामीण विकास विभाग में कमीशन के खेल को लेकर क्या जानते हैं, क्या इस कमीशन के खेल की जानकारी आपको थी, जहांगीर के घर से मिले पैसे के बारे में क्या जानकारी है, 37 करोड़ की रकम कमीशन के रुपए थे या कुछ और, जहांगीर के घर से मिले दस्तावेज पर क्या कहना है, आपके परिवार की आमदनी का और क्या सोर्स है। आलमगीर आलम से मंगलवार को भी ईडी ने 10 घंटे तक पूछताछ की थी और ईडी को कई अहम सुराग भी हाथ लगे। ईडी के एक्शन ने प्रदेश में सियासी टेंशन को भी हाई कर दिया है। ऐसा आलम तो अब गिरफ्तारी होते रहेगा भारत में, एक से अंदर गुजरना चाहिए, आगे बहुत बनना बाकी है, आगे बहुत कुछ होना बाकी है। और जिस व्यक्ति पर भ्रष्टाचार के आरोप है और उस आरोप के चलते अगर वो दल बदल करके दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं और वो व्यक्ति झारखंड में आकर के ज्ञान बांट रहा है, इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। ईडी ने बीते दिनों आलमगीर आलम के ओएसडी संजीव लाल और उनके सहयोगी के ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान सहयोगी के घर से करीब 37 करोड़ कैश बरामद हुए। ये पैसा किसका है और इसका सोर्स क्या है, इस पर से पर्दा उठाने के लिए ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है। देखना ये होगा कि जांच की आंच कहां तक पहुंचती है। रांची से ओम प्रकाश, न्यूज 18।